नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, और आप देख रहे हैं कि हमने अपने पिछले सेशन में अपनी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसके काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है उसमें कबीर के जो पद दिए गए हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाएं जो है आने वाली है और उन परीक्षाओं की तैयारी में हम लगे हुए हैं और हर चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कबीर के पद, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, और सबसे मेन है कि अगर आप इनको अपने जीवन में उतारें तो ये बहुत ही ज्यादा महत्व रख, जो आपकी पर्सनल जो आपके जीवन होता है कि जिसमें आप अपने मूल्यों को, अपनी नैतिक को बरकरार रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कबीर के जो दो पद पढ़े हैं, जो पहला पद हमने पढ़ा था कि इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो एक है, यानी कि ईश्वर एक है और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो एक बड़ा सत्य यहाँ पर ईश्वर का बताते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं ईश्वर के एक होने के। आपने देखा, हमने यहाँ पर पहले पद को पढ़ा और उसके भावार्थ को हमने समझा, तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों से हमें यहाँ पर क्लियर किया है कि ईश्वर एक होता है, और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हमें दिए हैं। तो इसी तरह आज हम दूसरे पद का भावार्थ, जिसको हमने शुरू कर दिया था अपने पिछले सेशन में, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, जब हम एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जब हम करते हैं तो पाठ हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, पूरी तरह से हमें समझ में आ जाता है। तो दूसरे पद को हम कंटिन्यू करेंगे, पहले पद को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पहले पद में, हमने यहाँ पर पहले पद में पढ़ा कि ईश्वर, कबीर दास जी ईश्वर को एक ही कहते हैं, और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है और आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानते हैं। और अपनी इस बात को देखिए, आपने यहाँ पर देखा कई सारे एग्जांपल्स से उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। जैसे देखिए, उन्होंने कहा एक है पवन एक ही, देखिए हम तो एक है एक करी जाना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हम तो केवल एक ईश्वर को पहचानते हैं, और वो जो व्यक्ति जो ईश्वर को दो मानते हैं, यानी कि जो सत्य को नहीं जान पाए हैं, वो क्या होते हैं, वो मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी से नहीं होती, क्योंकि वो केवल और केवल भटकते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर देखिए क्लियर किया है, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति, आत्मा नाम की जो ज्योति है, ईश्वर परमात्मा नाम की जो ज्योति है, वो सभी के अंदर समान रूप से समाई हुई है। एक है खाक गड़े सब भांडे, यानी कि एक ही तरह की जो मिट्टी है उससे सभी बर्तन बनाए जाते हैं। एक है सब भांडे एक है कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे आगिने न काटे कोई। तो जैसे बढ़ई केवल और केवल काष्ठ यानी कि लकड़ी को ही काट सकता है, उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार केवल और केवल मनुष्य का ही यहाँ पर जो केवल मनुष्य का शरीर ही पंच तत्वों में विलीन हो सकता है। जो मिट्टी है वो मिट्टी में ही मिल जाती है, लेकिन जो एक ईश्वर रूपी जो कुम्हार द्वारा बनाया गया जो पंच तत्वों से इस बड़ा बना जो शरीर है, उसमें इंसान के भीतर ईश्वर का ज्योति रूपी जो अंश है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक रूप धर, व्यापक धरे स्वरूपे सो, यानी कि उसी का रूप धरकर सब घटी अंतर तू ही व्यापक। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि कबीर दास जी कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सभी चीजों के अंदर तुम ही विराजमान हो,
सभी चीजों के अंदर तुम ही व्याप्त हो और व्यापक रूप धरे, व्यापक रूप धरे सोई, यानी कि बिल्कुल उसी का रूप धर के। जैसे हमने कहा कि जो बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी को अलग अलग आकार दे सकता है, लकड़ी को अलग अलग स्वरूप दे सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है वो सब में व्याप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है, शरीर भले ही अलग अलग तरह का होता है, लेकिन जो ईश्वर जो आत्मा है वो अजर अमर है और वही आत्मा परमात्मा का अंश है और वो एक रूप में सभी जीवों के अंदर व्याप्त रहता है, सभी जीवों के अंदर विराजमान रहता है। तो इस प्रकार हमने कबीर दास जी का ये पहला दोहा यहाँ पर पढ़ा और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने यहाँ पर बताई हैं इस पद में कि माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्भाना, कि तो इन संसार की माया मोह को देखकर क्यों लुभाता है और फिर क्यों इस पर गर्व करता है, क्यों इस पर घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कह कबीर दीवाना, अगर तू निर्भय होकर ईश्वर को भजेगा तो तू एक दीवाने की भांति अगर ईश्वर को भजेगा तो तुझे किसी भी चीज का कष्ट नहीं होगा, किसी भी चीज का दुख नहीं होगा। जो अगला यहाँ पर पद है ये भी हमने अपने पिछले सेशन में पद शुरू कर लिया था, पद हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब इस पद को हम बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करेंगे, इसका भावार्थ अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए फिर से एक बार पद को पढ़ते हैं। संतों देख जग बौराना, संतों देख जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो संतों देखो ये जग जो है बौरा गया है, ये जग जो है पागल हो गया है। क्यों? साचे कहे तो मारन धावे झूठ झूठे जग पतियाना। अगर यहाँ पर किसी से सच कह दो, किसी से सच्ची कोई बात कह दो तो वो मारने आता है, वो लड़ने आता है, झूठे जग पतियाना। और झूठ पर ये जग, यहाँ पर झूठ का बोलबाला है, झूठ से भरी हुई बातों पर जल्दी विश्वास किया जाता है। नेमी देखा धर्मी देखा और प्रात करे स्नाना, जो बहुत सारे नेमी ऐसे देखे हैं, बहुत सारे धर्मी देखे हैं जो बहुत सारे पाखंडों में लिप्त रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने धर्मों के अनुसार वो अपने नियमों का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सुबह सुबह उठकर अपना स्नान करते हैं और आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मारकर व्रत और उपवास करके अपनी आत्मा को मार करके पत्थरों को पूजते हैं, ऐसे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में कोई भी ज्ञान नहीं है। हम उनको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं कहते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे पीर औलिया देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पीर औलिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग देखे हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। और मेन बात क्या है कि वो ज्ञानी तो समझने लगते हैं कि वो, लेकिन वो उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते, अपने अंदर नहीं समा पाते। कै मुरीद तबदीर बतावे उनमें उहे जो जाना, और फिर वे लोग क्या करते हैं, मुरीद तबदीर बतावे उनमें जो उहे जो जाना। तो और देखिए वो अपने शिष्यों को कै मुरीद यानी कि वो अपने शिष्यों को तबदीर बतावे और उनकी तकदीर बताने लगते हैं, यानी कि उनके शिष्यों अपने शिष्यों को वो तरह तरह के उपाय बताने लगते हैं और उनमें उहे जो ज्ञाना, और जो उन्होंने वहां से ज्ञान पढ़ रखा है केवल वही ज्ञान वो वहां उन्हें अपने शिष्यों को बताने लगते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, अब हम कंटिन्यू करेंगे। आसन मार डिंब धरी बैठे मन में बहुत घुमाना, और उन आसन मार के डिंब धर के बैठे रहते हैं, डिंब धर के यानी कि बिल्कुल एक तरह से आसन जमा कर बैठे रहते हैं। तो कबीर दास जी अब यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग जो आसन लगाकर साधना में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं,
मन में बहुत गुमाना, वो इस बात को लेकर कि हम ईश्वर के उपासक हैं, हम ईश्वर की साधना करते हैं, इस बात पर वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं और ये सोचकर कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, अपने आप को इस तरह का व्यक्ति मानकर हर समय अहंकार में डूबे रहते हैं। उनके अंदर बहुत गुमान आ जाता है, बहुत सारा अहंकार उनके अंदर आ जाता है और क्या करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। और वो क्या करने लगते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, व्यक्ति पीपल और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राएं करते हैं लेकिन मन जो है अहंकार से, मन जो है गर्व से भरा रहता है। तीरथ गर्वे भुलाना, यानी कि वो इन सभी चीजों में अपने गर्व को नहीं भुला पाते, अपने घमंड को नहीं दूर कर पाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। अब यहाँ पर कहते हैं अगली पंक्ति में, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, सखी सबद गावत भूले आतिम खबरी न जाना। तो अब देखिए जो ये अगली पंक्ति है यहाँ पर, देखिए अभी तक कबीर दास जी यहाँ पर कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति पीपल और मूर्ति पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्राएं करने लगते हैं लेकिन उनका मन जो है अहंकार से भरा रहता है और वो इस अहंकार में भूल जाते हैं, तीरथ गर्व भुलाना, वो इस अहंकार में इस गर्व में ये भूल जाते हैं कि ईश्वर इन सब आडंबरों से नहीं प्राप्त होते, ये सब तो दिखावा मात्र है। कि अगर आप बहुत आप ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बड़े ईश्वर भक्त हैं, आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं लेकिन ईश्वर कभी भी इन सभी आडंबरों से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर तो केवल एकमात्र निस्वार्थ भाव से साधना करने पर प्राप्त होता है। जब आप ईश्वर की निस्वार्थ भाव से साधना करते हैं, एकाग्रचित होकर साधना करते हैं, तभी आपको ईश्वर प्राप्त होते हैं। साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कुछ लोग टोपी और माला पहनकर छाप तिलक अनुमाना और अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को सच्चा धर्म का अनुयायी कहते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छी सी धर्म अपनी धार्मिक टोपी पहन लेते हैं और गले में माला डाल लेते हैं और फिर माथे पर एक बहुत बड़ा तिलक लगाकर अपने आप को अपने धर्म का एक सच्चा अनुयायी कहते हैं। लेकिन साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, लेकिन क्योंकि वो अपने गुरु के दिए हुए सद वचनों को भूल गए हैं, यानी कि उनके गुरु ने जो उन्हें साखी सबद पढ़ाए हैं, जो उनके गुरु ने जो उनको शिक्षा दी है उसको वो गाना भूल गए हैं, उसको वो पढ़ना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब अपनी आत्म खबरी यानी कि आत्मा तक का उनको अभी तक बोध नहीं हुआ है, यानी कि वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं कि आखिर हमारी आत्मा क्या कह रही है, हम केवल दिखावा नहीं करना है, हमारा सच्चा मन क्या कह रहा है वो नहीं वो करते और सही गलत में वो फर्क करना भूल जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है इस बात पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात पर वो फर्क करना भूल जाते हैं, अपनी आत्मा को नहीं सुन पाते हैं कि उनकी आत्मा आखिर क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो अपने गुरु के दिए उपदेशों को भूल जाते हैं। आगे कहते हैं कबीर दास जी, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म कहूं नहीं जाना। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्ति कबीर दास जी ने कही है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, और यही लड़ाई में दोनों आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। देखिए हिंदू जो कहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां कबीर दास जी ने कही है कि हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है
और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म कहूं नहीं जाना। तो अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि दोनों अपने अपने धर्मों के लिए कहते हैं, अपने अपने भगवानों के लिए कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मुझे रहीम प्यारा है, और दोनों इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि ईश्वर एक है, ईश्वर केवल एक परम शक्ति है, वो और कुछ नहीं है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको केवल एक जैसा बनाया है। जैसे कि हमने कहा मिट्टी, एक जैसी मिट्टी से जो कुम्हार होता है वो अलग अलग प्रकार के बर्तन बना लेता है, बढ़ई जो है एक सी लकड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिजाइन बना लेता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक जैसे मनुष्य को बनाया है, लेकिन हमने आपस में क्या किया है, हम अपने परमात्मा को बड़ा कहते हैं, हमने परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं, अपने परमात्मा को अलग अलग उनके एक नाम दे दिए हैं, अपने हिसाब से अपने धर्म बना दिए हैं, तो आपस में हम लड़ लड़कर मर गए हैं, परंतु मर्म कहूं नहीं जाना, जो असली मर्म है, जो असल दुख है, जो असल पीड़ा है कि किस बात पर ये लड़ाई हो रही है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस बात के मर्म को आज तक, इस बात के दुख को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। क्यों नहीं समझ पाया है? क्योंकि ये कोई भी ये व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि ईश्वर एक परम शक्ति है। वो जो अल्लाह, देखिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो नाम जो है वो हमने अलग अलग रख दिए हैं और उसी के बात पर हम लड़ते रहते हैं आपस में और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से अगली पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है। अब आगे कबीर दास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। देखिए यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। जो गुरु अपने आप को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं, और इसी ज्ञान के अहंकार में वो घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते फिरते हैं सभी लोगों को, तो ऐसे अज्ञानी और अभिमानी जो गुरु होते हैं, गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े, तो ऐसे गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो भी अज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो भी वही सीखते हैं जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया है, वो भी सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अनुकरण के केवल करते हैं। तो ऐसे ऐसे में कबीर दास जी कहते हैं ऐसे गुरुओं को अपने शिष्यों के साथ, इस ऐसे गुरु जो होते हैं वो एक बारी में अपने शिष्यों के साथ इस दुनिया रूपी भव सागर में डूब जाते हैं, अतः उन्हें क्या होता है, अंतकाल पछताना, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अंतकाल में नहीं हो पाती और उन्हें केवल और केवल पछताना पड़ता है। अब कबीर दास जी अपने दूसरे दोहे की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, ई सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहां नहीं माने, सहजे सहज समाना। अपनी अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कैतिक कहो कहां नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनो कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। तो अब कबीरदास जी कहते हैं कि बाहरी आडंबर करने वाले इन सब लोगों ने ईश्वर नामक जो सत्य है उसको भुला दिया है, और अब इन्हें कितना भी समझा लो कैतिक कहो कहा नहीं माने, कैतिक कहो कहा नहीं माने, इन्हें कितना भी कह लो, इन्हें कितना भी समझा लो, ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं, अर्थात इनको समझाने का कोई भी अर्थ नहीं बनता, कोई भी फायदा नहीं होता, सहज है सहज समाना। क्योंकि जो सत्य तो यह है कि ईश्वर
बहुत ही सहजता, बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल सहजता से प्राप्त होते हैं। अगर आप सच्चे दिल से उनका स्मरण करो तो तब वो प्राप्त होते हैं। उसके लिए आपको इतने सारे आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, बहुत ही प्यारे दो पद यहाँ पर दिए गए थे कबीर दास जी के द्वारा। अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे। कबीर दास जी के जो पद है, तो यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। चैप्टर हमने पहले भी पढ़ लिया है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने पहले कर लिए हैं, तो केवल हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो सभी प्रश्नोत्तर को हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें चैप्टर और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छे से हम इस पाठ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है कबीर के पद के से लिया गया। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो देखिए, पहला पद जो है वो उन्होंने इसी बारे में लिखा है कि बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए हैं कि ईश्वर एक है। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है कि ईश्वर जो है वो संपूर्ण संसार के कण कण में व्याप्त है। और उन्होंने कुम्हार की तुलना, ईश्वर की जो कुम्हार की जो तुलना है वो परमात्मा से करते हुए यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी परमात्मा भी ने भी एक ही तत्वों से बहुत सारे मनुष्यों को बनाया है, बहुत सारे मनुष्यों को मनुष्य रूप में ढाला है। और भी बहुत सारे तर्क दिए हैं, जैसे उन्होंने बढ़ई का तर्क दिया है कि किस तरह से एक प्रकार की लकड़ी से अलग अलग प्रकार के वो वस्तुएं बना लेते हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपने यहाँ पर पढ़ा, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल शब्दों में हमने इसका उत्तर दिया। आप इसको उत्तर को अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि मिट्टी से बना हुआ जो ये शरीर है, इसने मिट्टी में ही मिल जाना है, यानी कि धरती में बना हुआ जो ये शरीर है इसने धरती में ही मिल जाना है। तो कौन कौन से ऐसे पंच तत्व हैं? देखिए, यहाँ पर मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो इन पंच तत्वों से हुआ है, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। बिल्कुल याद रखिएगा, जल, वायु और अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो इन पांच तत्वों से यहाँ पर मानव शरीर का निर्माण हुआ है। हमेशा के लिए आप इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपने जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो इस आधार पर आपने कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है ये बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि कहा, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, तो यहाँ पर धरे स्वरूपे सोय। देखिए, आप यहाँ पर बताएंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना एक लकड़ी से करते हुए कहा है। ठीक है, ईश्वर का यहाँ पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि कबीर ने मनुष्य की तुलना लकड़ी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटकर बढ़ई केवल उसको काट सकता है किंतु उसमें मौजूद अग्नि को नहीं खत्म कर सकता, ठीक उसी प्रकार शरीर के मरने के पश्चात
आत्मा अमर हो जाती है और इस तरह जो अंतर आत्मा में ही परमात्मा यानी कि ईश्वर का निवास होता है और जिसके बहुत सारे व्यापक स्वरूप है यानी कि वो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग वस्तुओं में निवास करता है। तो इस तरह से कबीर की दृष्टि में यहाँ पर ईश्वर के एक व्यापक स्वरूप की बात की है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? देखिए कबीर दास जी ने यहाँ पर कहा कह कबीर दीवाना, एक पंक्ति जो है आपकी उसमें कहा कि कह कबीर दीवाना, तो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? देखिए दीवाना का अर्थ होता है, हमने यहाँ पर दीवाने का अर्थ आपको बताया था कि जब किसी भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हम उसके प्रति अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, हम उससे प्रेम करने लगते हैं, तो हम हर समय उसके बारे में सोचते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो हर समय उसकी तरफ केंद्रित रहता है, हर स्थिति में हम उसको पाना चाहते हैं। तो सेम कबीर ने यहाँ पर अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वो जीवन के सभी सांसारिक जितनी भी मोह माया है, आडंबर युक्त जो जीवन है, इससे मुक्त होकर वो केवल और केवल ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, ईश्वर में डूबना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को सोचते हैं, ईश्वर को सुनते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर के होने से उन्हें कभी भी कोई भय नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है। अगला प्रश्न आपका है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? देखिए यहाँ पर कबीर ने अपने दूसरे पद में कहा है कि संसार बौरा गया है, तो ऐसा कबीर दास जी ने क्यों कहा है? देखिए क्योंकि कबीर दास जी ने संसार को बौराया हुआ यानी कि पागल इसलिए कहा है कि संसार के जो लोग हैं वो दिखावे की आडंबर युक्त जो दुनिया है इसमें इतने ज्यादा ढल चुके हैं, इतने ज्यादा गुम हो चुके हैं कि अब वो सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाते। अगर उनको सच बताने के लिए दौड़ो तो वो सच बताने के लिए आओ तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठ पर वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अगर सच बोल दो तो बहुत उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि अच्छा ये सच भी है। तो एक तरह से सच्ची बातों पर जो इंसान क्रोधित हो जाए, झूठी बातों पर जो विश्वास कर ले और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह के आडंबर करे, तरह तरह के धार्मिक आडंबरों का सहारा ले और इन सभी को करने के बाद वो अपने आप को ज्ञानी बताए, अपने आप को महान दिखाने की चेष्टा करे, इन्हीं सारे आडंबरों के कारण कबीर दास जी ने ये कहा है कि ये संसार जो है बौरा गया है, ये संसार जो है पगला गया है, इसीलिए ये इस तरह के काम करता है। साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, कुछ लोग टोपी और माला पहनकर छाप तिलक अनुमाना और अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को सच्चा धर्म का अनुयायी कहते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छी सी धर्म अपनी धार्मिक टोपी पहन लेते हैं और गले में माला डाल लेते हैं और फिर माथे पर एक बहुत बड़ा तिलक लगाकर अपने आप को अपने धर्म का एक सच्चा अनुयायी कहते हैं। लेकिन साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना, लेकिन क्योंकि वो अपने गुरु के दिए हुए सद वचनों को भूल गए हैं, यानी कि उनके गुरु ने जो उन्हें साखी सबद पढ़ाए हैं, जो उनके गुरु ने जो उनको शिक्षा दी है उसको वो गाना भूल गए हैं, उसको वो पढ़ना भूल गए हैं, आत्म खबर ही न जाना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब अपनी आत्म खबरी यानी कि आत्मा तक का उनको अभी तक बोध नहीं हुआ है, यानी कि वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं कि आखिर हमारी आत्मा क्या कह रही है, हम केवल दिखावा नहीं करना है, हमारा सच्चा मन क्या कह रहा है, वो नहीं वो करते और सही गलत में वो फर्क करना भूल जाते हैं, क्या सही है
क्या गलत है इस बात पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात पर वो फर्क करना भूल जाते हैं, अपनी आत्मा को नहीं सुन पाते हैं कि उनकी आत्मा आखिर क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो अपने गुरु के दिए उपदेशों को भूल जाते हैं। आगे कहते हैं कबीर दास जी, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म कहूं नहीं जाना। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्ति कबीर दास जी ने कही है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, और यही लड़ाई में दोनों आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। देखिए हिंदू जो कहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां कबीर दास जी ने कही है कि हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म कहूं नहीं जाना। तो अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि दोनों अपने अपने धर्मों के लिए कहते हैं, अपने अपने भगवानों के लिए कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मुझे रहीम प्यारा है, और दोनों इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि ईश्वर एक है, ईश्वर केवल एक परम शक्ति है, वो और कुछ नहीं है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको केवल एक जैसा बनाया है। जैसे कि हमने कहा मिट्टी, एक जैसी मिट्टी से जो कुम्हार होता है वो अलग अलग प्रकार के बर्तन बना लेता है, बढ़ई जो है एक सी लकड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिजाइन बना लेता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक जैसे मनुष्य को बनाया है, लेकिन हमने आपस में क्या किया है, हम अपने परमात्मा को बड़ा कहते हैं, हमने परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं, अपने परमात्मा को अलग अलग उनके एक नाम दे दिए हैं, अपने हिसाब से अपने धर्म बना दिए हैं, तो आपस में हम लड़ लड़कर मर गए हैं, परंतु मर्म कहूं नहीं जाना, जो असली मर्म है, जो असल दुख है, जो असल पीड़ा है कि किस बात पर ये लड़ाई हो रही है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस बात के मर्म को आज तक, इस बात के दुख को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। क्यों नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये कोई भी ये व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि ईश्वर एक परम शक्ति है, वो जो अल्लाह, देखिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो नाम जो है वो हमने अलग अलग रख दिए हैं और उसी के बाद पर हम लड़ते रहते हैं आपस में और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से अगली पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है। अब आगे कबीर दास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। देखिए यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। जो गुरु अपने आप को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं, और इसी ज्ञान के अहंकार में वो घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते फिरते हैं सभी लोगों को, तो ऐसे अज्ञानी और अभिमानी जो गुरु होते हैं, गुरु के सहित संख्य सब बूढ़े, तो ऐसे गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो भी अज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो भी वही सीखते हैं जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया है, वो भी सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अनुकरण केवल करते हैं। तो ऐसे में कबीर दास जी कहते हैं ऐसे गुरुओं को अपने शिष्यों के साथ, इस ऐसे गुरु जो होते हैं वो एक बारी में अपने शिष्यों के साथ इस दुनिया रूपी भव सागर में डूब जाते हैं, अतः उन्हें क्या होता है, अंतकाल पछताना, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अंतकाल में नहीं हो पाती और उन्हें केवल और केवल पछताना पड़ता है। अब कबीर दास जी अपने दूसरे दोहे की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना,
तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर कबीर के पद कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने भावार्थ यहाँ पर दोनों पदों का पढ़ लिया और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने रिवाइज कर दिए हैं। और अगर आपको पाठ में कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर अपनी समस्याएं चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं को यहाँ पर का समाधान किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।